एक पासे तां जिथे नगर निगम फगवाड़ा दे अधिकारी शहर अंदर साफ सफाई दे पूरे प्रबंध किए जाण दे वड्डे वड्डे दावे कर रहे हैं, उत्थे ही ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। संघनी वसों वाले इलाके मिली गेट विखे स्थित वरिंदर पार्क विखे जिथे कि कूड़े के डंप ते लगे कूड़े के ढेर कारण लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करने लिए मजबूर होना पै रहा है। इस मौके पर अमरजीत सिंह बसूटा ने कहा कि यह पार्क शहर दियां बाकी पार्कों नालों किते ज़्यादा वड्डी है ते रोजाना ही इस पार्क विच लोग बच्चों नाल सवेरे शाम सैर करने आते हैं, पर पार्क विच लगे झूलों की हालत बहुत ही खस्ता है ते तकरीबन सारे ही झूले टूटे हुए हैं जिस नाल बच्चों नू खेडन विच मुश्किल आती है ते उन्हां दे किसी भी समय सट चोड़ का डर बनया रहता है। उन्हां कहा कि इस संबंधी कई बार उच्च अधिकारियों नू भी सूचित किया जा चुका है पर कोई भी ढुकमी कार्रवाई नहीं हुई। उन्हां मांग की कि उक्त समस्या का हल पहल के आधार से किया जाए। गल इदा जी, असी तो कंप्लेट बहुत करी दी है, जाके साढ़े नाल ही कमेटी के बंदे बैठे आ जिहड़े सफाई कर्मचारी आ, वो हफ्ते बाद आनियां मुड़ियां 15-20 वो ढेरियां ला के चल जांदियां आ, हवा आंदी उड़ जांदी आ, चक्करा कोई है नहीं उन्हां नूं, ठीक है जी। जिहड़े बच्चे शाम नूं आंदे आ गंदगी पाउंदे आ, साइकिल लै घुम्मदे आ, बहुत असी कही दा बाहर बोर्ड लाए आ उन्हां उत्ते लिख के भी लाए आ जी, रोकी दा वी बच्चे नहीं रुकदे, असी ध्यान लिआंदा जी। पर जिहड़े हुण नवीं जिम लाई आ सरदार धालीवाल साहब ने नवीं जिम लाई आ, यह हैगी बच्चों वास्ते, उहदे उत्ते आ के बजुर्ग हैवी लेडीज़ बहनी आ के उन्हां दी वजह नाल वो 2-3 गेमां साडियां टुट गईआं, कंप्लेट भी लिखाई आ पर वो धीमी गति ने काम चलदा, अज करदे आ कल करदे आ इदां रहिंदा जी, इह तां है जी। पर जे देखिए तां सब तो फगवाड़े विच सब तो वड्डी पार्क ये वरिंदर पार्क आ, सुखचैन साहब रोड दे उत्ते आ, बिल्कुल शहर दे विच आ, सवेरे शामी बहुत रश हुंदा बच्चों का। जे इहनूं साफ सुथरा कोई सानूं पक्का माली मिल जावे जां सफाई कर्मचारी डेली आवे तो बहुत वधिया जी है, पर असी कमेटी कर जा कही दा आ कोई नहीं करदे आ करदे आ जी, इदे चली जांदा आ। उधर इस पार्क के नज़दीक ही अपना कारोबार करके अपना परिवार का पेट पाल रहे दुकानदारा का कहना है कि उक्त पार्क के कोल बहुत वड्डा कूड़े का डंप है जिथे रोजाना ही वड्डी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होया रहिंदा है जिस नाल उन्हां नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है ते कई तरह दीआं भयानक बीमारियां फैलण का हर समय खदशा बढ़िया रहिंदा है। उन्हां संबंधित विभाग पासों मंग की कि इस समस्या का हल पहल के आधार से किया जाए। यही कहना चाहते कि आज जो कूड़ा मतलब सुट रहे हैं सानू दुकाना वाले ने बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी, अगे भी असं कई बार बेनती कर चुके हैं पर कोई असर नहीं होया, हूँ असं फिर बेनती करते हैं कि इस कूड़े बारे कुछ सोचो, कुछ मतलब किसी का हल करो कूड़े का, जोड़ा भी इतों लंघता कि नकद मूँह अख मतलब लंघता उदा मतलब उन्हें लंघना औखा है, इतने ज़्यादा टालियाँ भरते हैं मतलब डंप तो चकते कूड़ा तो दुकाना से बहना बहुत औखा हो जाता, तो वही कूड़े की बदबू जी मतलब बहुत ज़्यादा फैल जाती है, वो जिस दिन का मतलब है थोड़ी जी चलिया उस तो बाद बंद पे हैं मतलब कोई वह असर नहीं है, उदा वो विकास होए हुए हैं। हूँ बेनती यही है कि मतलब उन्होंने हल छड़ गए कूड़े का जल्दी तो जल्दी हल कर, सोम प्रकाश उन्होंने अगर बेनती की कहते करावे उस तो बाद फिर वही हाल हो दोबारा। इस संबंधी जदों निगम के सेंटरी इंस्पैक्टर नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम वालों रोजाना ही 2 बजे तक कूड़ा चुक लिया जाता है, अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो वो इसका स्थाई हल करने की कोशिश करेंगे। जिदा कि मार्ट रोड दी पार्कां वधिया नीट एंड क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं कितने भी, बाकी कूड़े के भेज कितों की गल करते हो ये सर वरिंदर पार्क के बारे? वरिंदर पार्क का डेली रिमूव होना डेली 100% शर्त नाल, पर जिस तरह उ ढेर लगा पाया इदा सैकंडरी पॉइंट है, सैकंडरी पॉइंट से कूड़ा ही आना है, ठीक है, लोगों ने सोना तो सुटना नहीं, उत्तर कूड़ा ही सुटना, उसे जिस जो सैकंडरी पॉइंट है वो कूड़े वास्ते बनया हों, क्योंकि नज़दीक पार्क भी आते जिते पार्क के बाहर ही कूड़े का डंप बनया है, कूड़े का डंप लोग जो सैर करते उत्थे उन्होंने काफ़ी परेशानी आती, सैर तो सवेरे शाम को करते बट कूड़ा जरा दिन चुकया जाता डेली 12 बजे तो लैके 2 बजे के रिमूव हो जाता डेली होता।